जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तगड़ा प्लान तैयार किया है। योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में, चाहे वो कोई भी हो जिसने लापरवाही की, जिसने कानून को तोड़ा, उस पर एक्शन ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले आरोपी को अगर पुलिस नहीं पकड़ पाती है तो अधिकारियों को या तो पुलिस चौकी छोड़नी पड़ेगी या फिर आरोपी को पकड़ना होगा। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर तो योगी अलग ही तेवर में है। साफ निर्देश दिया गया है कि यूपी को अगर बांग्लादेश बनाने की कोई हिम्मत करेगा, कोई कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार का भड़काऊ पोस्ट अगर आप करते हैं तो बाबा की नजरों से आप बच नहीं सकते। बाबा का बुलडोजर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देख रहा है। जो कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा ऑन द स्पॉट उस पर कार्रवाई होगी। अब ऐसे में सवाल है कि योगी के इन तमाम ताबड़तोड़ एक्शन से अखिलेश क्यों परेशान है? आपको इस सवाल का जवाब हमारे इस रिपोर्ट के जरिए मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। योगी हिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं, एक शिकायत पर बाबा अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं। बाबा फुल फॉर्म में है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बार बात शाख बचाने की है, मुंह तोड़ जवाब देने की। लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद टूटी है, जो भरोसा टूटा है, उसी चूक को योगी सुधारना चाहते हैं, जिसका टेस्ट कुछ ही दिनों बाद होना है। जी हाँ, 10 सीटों पर उपचुनाव बहुत बड़ा इम्तिहान है। योगी को तभी तो पीएम मोदी ने भी खुली छूट दे रखी है। बाबा सनातन वोट को एक करने की कोशिश में लगे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, विपक्ष पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं योगी। सुनिए, याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा, वह हिंदू है। ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। योगी के पुलिस ने ऐसे कई लोगों को बेनकाब किया है जो जानबूझकर यूपी को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी कैसे सपा का विकेट गिराने वाली है और कैसे हर सीट पर अपनी जीत की ताल ठोकने वाली है। अयोध्या गैंगरेप घटना बन सकती है संजीवनी बीजेपी के लिए। जी हाँ, समाजवादी पार्टी इन दोनों प्रमुख सीटों पर पिछले 3 चुनाव में लगातार जीतती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए हर स्तर पर अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है बीजेपी ने। पिछले दिनों अयोध्या जिले में निषाद समाज की एक बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान का हाथ है, मोहित को जेल भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इस घटना को एक तरीके से संजीवनी की तरह मान रही है और जीत के लिए तमाम स्तर पर प्रयास भी तेज कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बीजेपी की तरफ से बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही आरोपी सपा नेता के घर पर, उसके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी बुलडोजर चलाया गया, बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर पिछले दिनों बनाई गई टीम 30 की रिपोर्ट के आधार पर अभी ये बात सरकार और संगठन के स्तर पर कही जा रही है कि बीजेपी अगर ठीक ढंग से मेहनत करती है तो 10 में से ज्यादातर सीट बीजेपी जीत सकती है, या फिर हो सकता है 10 की 10 सीट बीजेपी के पाले में। उसके लिए अभी से तैयारी हर स्तर पर करने की जरूरत है। इसके बाद सरकार और संगठन के बीच महत्वपूर्ण बैठक करते हुए सीट जीतने के लिए रणनीति बनाने का काम तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 2 जिलों का दौरा करके स्थानीय नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। जातीय समीकरण और प्रत्याशी चयन को लेकर प्रयास तेज है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट के लिए पिछड़े समाज दलित समाज से जुड़े नेताओं को इन जिलों में भेजकर काम करने की बात कर चुकी है। स्थानीय स्तर पर जातीय समीकरण को बेहतर करने और प्रत्याशियों के चयन में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति व्यापक तरीके से बनाने का काम करने वाली है, कर रही है। बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव वाली सभी सीटों पर पार्टी
संगठन और सरकार तैयारी कर रहे हैं। हम सभी उपचुनाव वाली विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं। देखिए, साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव जीतने के लिए हर स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने खुद को 2 सीटों की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा अन्य सीटों की जिम्मेदारी अन्य वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। मुख्यमंत्री अयोध्या और अंबेडकर नगर जाकर स्थानीय नेताओं से मिलना और उनकी समस्याओं को सुनना, इसके अलावा चुनाव जीतने की रणनीति बनाने का काम भी वो शुरू कर दिए हैं। 2 जिलों में जाते हैं और रणनीति क्या हो सकती है उन 2 जिलों की, उस पर भी बात कर रहे हैं। अयोध्या और अंबेडकर नगर की जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां समाजवादी पार्टी का पिछले काफी समय से कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार इन सीटों पर जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पिछले दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के आधार पर जीत दर्ज करने का काम किया था। अयोध्या में एक निषाद समाज की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को विश्वास हुआ है, उसे लग रहा है कि उसकी वजह से कुछ संजीवनी मिल सकती है, अयोध्या में जीत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है इसलिए। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी सीटों पर जीत बरकरार रखने के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है और एक सीट जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई और वो सीट अयोध्या फैजाबाद, जो कि फैजाबाद के विधानसभा सीट में अयोध्या आती है, उस सीट पर इस बार क्या देखने को मिलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ को लगता है कि जो चूक लोकसभा चुनाव के पहले हुई थी वो चूक इस बार ना हो, उपचुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सके, खासकर अंबेडकर नगर और अयोध्या? तो बड़ी बात यह है, बड़ी नजर जो रहने वाली है वो इस बार अयोध्या पे भी रहने वाली है, क्योंकि अयोध्या वही सीट है जिस सीट पर पूरा का पूरा बीजेपी को विश्वास था, पूरी बीजेपी को विश्वास था कि इस सीट पर हमें जीत मिल सकती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस बार का रिजल्ट जो उपचुनाव का आएगा, हालांकि अभी तो तारीख भी घोषित नहीं हुई है कि उपचुनाव कब होगा, लेकिन जब इसके नतीजे आएंगे तो सबकी नजर एक सीट पर सबसे ज्यादा होगी और वो है अयोध्या सीट, जिसकी कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। शुक्रिया।